हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, विकास लाइफ केयर के बारे में जानते हैं। आज का इसका मार्केट कैप 694 करोड़ का, जो कि डाउन होकर के रह गया है। करंट प्राइस 4.83 रुपया, 52 वीक का हाई लो 7.05 रुपये और 2.66 रुपया, बुक वैल्यू 2.31 रुपया, डिविडेंड कोई भी पे नहीं कर रहा है, फेस वैल्यू 1 रुपया है, ROC ROE माइनस में है, रिटर्न ओवर 1 ईयर में 6.06% का है। वन ईयर का चार्ट देखते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि डाउन हो रहा है। प्रोज इसमें 4 है और कॉन्स 3, कॉन्स कुछ खास है नहीं लेकिन प्रोज खास है। पीयर कंपैरिजन इस तरीके का 109 कंपनी है, अडानी इंटरप्राइजेज, मैनकाइंड फर्मा, रेडिंगटन, एजिस लॉजिस्टिक, MMTC, रेड टैप, PDS और भी है, टोटल 109 कंपनी। क्वार्टरली रिजल्ट जून 2023 का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा रहा और उससे पहले का क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा ख़राब था इन्वेस्टमेंट के वजह से। प्रॉफिट और लॉस अगर देखते हैं लास्ट 12 मंथ का तो ये भी माइनस में है। बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो बैलेंस शीट में इसके पास रिजर्व अच्छा खासा है 187 करोड़ का, जबकि शेयर कैपिटल 144 करोड़ का है और ब्रोइंग भी है 30 करोड़ का, अदर लाइबिलिटीज 93 करोड़ का है, टोटल लाइबिलिटीज 455 करोड़ का, यानी कि टोटल एसेट भी 455 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट 77 करोड़ का है। कैश फ्लो प्लस में है 4 करोड़ का मार्च 2023 फाइनेंशियल ईयर में, जो कि क्लोजिंग हुआ था, और मार्च 2022 में तो 8 करोड़ का था नेट कैश फ्लो। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर के पास में 11.40% है, गवर्नमेंट के पास में कुछ भी नहीं है, FIs के पास में 0.02% है और पब्लिक के पास में 88.59% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो 451,287 के पास में इसका शेयर है सितंबर 2022 के अनुसार। और इसमें एक खास न्यूज है जो कि अभी से काफ़ी समय पहले अपलोड किया गया है, डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ द सेबी LODR रेगुलेशन 2015। तो ये इंग्लिश में है, इसको हिंदी में तो जैसा कि ऊपर में दिख रहा होगा, पूर्व में इसका नाम विकास मल्टीकॉर्प था। आज 4 अक्टूबर 2023 है, लोगों में वी केयर रहता है, स्क्रिप्ट कोड 542655 है। NSE प्रतीक विकास लाइफ, NSE पर विकास लाइफ आता है, ये ट्रांसलेट किया है गूगल से। तो इसमें पता चला है कि सेबी सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता है विनिमय 2015 के विनियम
30 के तहत प्रकटीकरण। तो इस नियम के तहत विकास लाइफ केयर ने एक प्रकटीकरण किया है। प्रिय महोदय या महोदया, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह आपको सूचित करना है कि आयकर विभाग द्वारा कुछ अन्य निर्धारिती के संबंध में जो तलाशी अभियान शुरू किया गया था वह हमारे परिसर में भी किया गया था, क्योंकि हमारे उस निर्धारिती के साथ कुछ व्यावसायिक संबंध थे। पिछले वर्षों में तलाशी अभियान के दौरान कंपनी और उसके पदाधिकारियों ने आयकर अधिकारियों को अपना पूरा सहयोग दिया और मांगी गई सभी जानकारी दस्तावेज उपलब्ध कराए और आगे की कार्यवाही यदि कोई हो मैं विभाग के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे। तो बड़ी अच्छी बात कहा है विकास लाइफ केयर ने। हालांकि हम कंपनी के वर्तमान या भविष्य के व्यावसायिक संचालन पर इस कार्रवाई के किसी भी भौतिक प्रभाव की उम्मीद नहीं करते हैं। हम कंपनी के समर्थन के बिना प्रसारित होने वाली किसी भी अटकल या आधारहीन जानकारी को रोकने के लिए यह पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। एक जिम्मेदार सूचीबद्ध इकाई के रूप में कंपनी सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं विनियम 2015 के लागू प्रावधानों के अनुसार यदि आवश्यक हो तो जनता, निवेशकों और अधिकारियों को इस मामले में अद्यतन रखेगी। कृपया उपरोक्त को अपने रिकॉर्ड में ले लें, धन्यवाद। तो ये है न्यूज का टोटल कवर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा bseindia.com वेबसाइट पे, BSE के वेबसाइट पर विकास लाइफ केयर लिमिटेड का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 4.83 रुपये, जो कि 44 पैसा घट करके यानी कि 8.35% का डाउनफॉल हुआ है आज ही के डेट में। तो इसके पीछे वही न्यूज ही वजह है मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो अपने सूझबूझ के अनुसार ही, इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है। विकास लाइफ केयर लिमिटेड में आज का ट्रेड जो कि 4 अक्टूबर 2023 का क्वांटिटी ट्रेडेड 1,25,86,658, जिसमें कि डिलीवरी क्वांटिटी 69,61,681 यानी कि परसेंटेज जो है 55.31% है BSE पर। विकास लाइफ केयर लिमिटेड का NSE पर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस यानी कि क्लोजिंग प्राइस 4.90 रुपये रहा। ओपन हुआ था 5.20 रुपये पे, हाई 5.25 रुपये, लो 4.80 रुपये, जबकि प्रीवियस क्लोजिंग था 5.25 रुपये। आज का जो इसमें वॉल्यूम ट्रेडिंग हुआ था तो 4,79,17,916, जिसमें कि ट्रेडेड वैल्यू 100,000 में 2,357.56 लाख है और टोटल मार्केट कैप 70,409.74, ये भी लाख में है। अभी भी इसमें सेल क्वांटिटी 98,276 है। NSE के वेबसाइट पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा डिलीवरी पोजीशन 4 अक्टूबर 2023 EOD का, तो 4,79,17,916 है जो कि डिलीवरेबल क्वांटिटी जो है 2,14,16,939 यानी कि 44.70% का भी आज भी डिलीवरी में ट्रेड हुआ है।